जो है ना वो बहुत दुख रहा है। ये दांत दुख रहा है, मैं विजडम टीथ करवाना नहीं चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर आज खबर यह है कि मेरा दांत जो है ना वो बहुत दुख रहा है, दांत को भी बहुत दुखा। तो अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास अपने देखने की क्या हो रहा है। वैसे वो विजडम टीथ का पेन है, पर असल में अंदर क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास में दिखवाने के लिए अपना दांत, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो फ्रेंड्स। It's a tent in the below half. So we need to. तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो एक दांत ऐसा है, एक थोड़ा सा ऐसा है विजडम टीथ, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब देखते हैं, मैं तो निकलवाना नहीं चाहती हूँ, देखते हैं क्या होता है। आज मैडम का दांत दर्द हो रहा है तो दांत चेक करवाने आई है डॉक्टर के पास।你牙痛吃了头痛药吗？意思是？但我的痛住了，我去药一碗没痛。对，戴个墨镜哈。प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये दांत ऐसा टेढ़ा हो गया है ये दांत ऐसा, तो इस वजह से वो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये अगर ऐसे सीधा रहता तो ठीक है, ये विजडम टीथ है, अकल दाड़ है, ये टेढ़ा हो गया है। ये टेढ़ा बहुत सारे उगता है, बहुत सारे लोगों को उगता है, और विजडम टीथ तो प्रॉब्लम करते ही है। तुम तो वैसे भी टेढ़े हो। क्या करवाओगे? आज ये जो इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं उसको कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट करने का बोल रहे हैं वो करवा लेते हैं। डॉक्टर ने आज मेरी क्लीनिंग की है टीथ की, और बोला है कि 3 दिन तक वॉश करना है एक मेडिसिन से, उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मैं इस दांत को निकलवाना चाहती हूँ जो कि ज़रूरी है, तो 10 दिनों बाद निकलेगा। हियर इज माई डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ट्रीटमेंट हो गया है आज के दिन का मेरे दांतों का, और आधे घंटे तक कुछ पीना नहीं है और खाना भी नहीं, उसके बाद खा पी सकते हैं। तो आई होप कि ये जो इन्फ्लेमेशन है वो आज के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा।
और डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरा जो डर था अंदर का वो काफ़ी हद तक कम हो गया। जो मेरे को डेंटिस्ट से डर लगता था वो आज नहीं लग रहा है। वेरी गुड डेंटिस्ट, वेरी गुड डॉक्टर। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर, मेरा ट्रीटमेंट तो हो गया है, घर जाके खाना वगैरह खाएंगे। पर यह है कि जो दांतों का दर्द है ना वो, और दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो मुझे हमेशा से डराता है। उन्होंने बोला है कि निकलवा लेना चाहिए, यही उनका सजेशन है, और आज उन्होंने की है क्लीनिंग। और देखती हूँ मैं मेरे अंदर कितना करेज है कि मैं 10 दिनों बाद अपना विजडम टीथ निकलवाती हूँ कि नहीं। बाकी आप भी सजेस्ट कीजिएगा, अगर किसी ने अपना विजडम टीथ निकलवाया है, निकलवाना चाहिए कि नहीं निकलवाना चाहिए, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है विजडम टीथ को लेके, अक्लदाड़ जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी दर्द बहुत ज़्यादा था मेरे को, और हमेशा ही होता है, बस टाइम डिफरेंस के साथ होता है। तो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो या सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। तो उसके लिए भी अब मेरे को थोड़ा करेज चाहिए, क्योंकि मेरे को दांत निकलवाना मतलब बहुत ही टेरिबल लगता है। ये है हमारे शहर का काफी बड़ा ब्रिज, क्योंकि इसके नीचे से जाती है एक रिवर जिसका नाम है थोजांग। थोजांग रिवर है जो आगे यांगजे रिवर में जाके मिल जाती है, और ये रिवर भी काफी बड़ी है। तो यांगजे रिवर जैसी बड़ी तो नहीं है, लेकिन काफी बड़ी है। अगर कुछ दिखता होगा तो रोड से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इधर से है, इधर रिवर है नीचे, और काफी बड़ी रिवर है, और ये ब्रिज भी काफी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ब्रिज है। और अभी हम जा रहे हैं घर, और ये जो बिल्डिंग है आपको मैं दिखाऊं कि सामने जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको शायद, हाँ ये वाली जो बिल्डिंग दिख रहे हैं इनमें हमारा घर है। कभी आपको घर भी दिखाते हैं। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये तो हॉलीडे इन होटल है, और इसके पीछे जो है अपार्टमेंट बिल्डिंग है, इनके अंदर हमारा घर है, एक अपार्टमेंट है। तो वो कभी मौका मिला तो हम आपको जरूर उसका टूर करवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसा है हमारा अंदर से घर। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप हमारे घर का होम टूर करना चाहते हैं। हाँ, और अभी आगे रेड लाइट पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, और उसके बाद रेड लाइट से हम टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट टर्न, और घर आ जाएगा फिर। क्यों? और ये अब हमने गाड़ी को टर्न कर लिया है। डॉक्टर साहब गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं। जब हमने गाड़ी खरीदी थी, चाइना में गाड़ी खरीदी थी, तो रियल में मुझे थोड़ा सा एक था कि कैसे क्या करेंगे, पर डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कमांड अपने हाथ में ली, और क्या गाड़ी चलाते हैं ये। मैं तो इनके फैन तो मैं हुई हमेशा से, पर और ज्यादा फैन हो गई। थैंक यू। और यहाँ साइड में रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये रोड थोड़ा मतलब भीड़ा हो गया था, इसको चौड़ीकरण कर रहे हैं रोड का। ये बिल्कुल बाउंड्री बना रखी है, और ये टेम्पररी बाउंड्री है, किसी को पता नहीं चलता है कि दूसरी तरफ क्या काम हो रहा है। और काम जब खत्म होगा और ये बाउंड्री हटेगी,
तब भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक दो दिन पहले कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और ये इधर अपार्टमेंट्स हैं, तो इनकी पार्किंग में हम गाड़ी को लेके जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पार्किंग का वे भी, दो पार्किंग के वे हैं, एक तो अभी पीछे निकला है और एक ये है। तो बस यहाँ से टर्न लेके हम पार्किंग के अंदर जाएंगे और पार्किंग के अंदर फिर लिफ्ट है, तो लिफ्ट से सीधा अपार्टमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, क्या डॉक्टर साहब? मुझे तो दांत दर्द हो रहा था पर डॉक्टर अच्छे मिल गए। तो कमेंट करिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कुछ आपका एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिए, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।